आज के ताजा मौसम समाचारों के अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों की मौसम विभाग के समाचारों की, कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब और बढ़ेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के 14 राज्यों में बारिश के आसार, चक्रवाती तूफान मोचा से इन राज्यों में दिखेगा असर। चक्रवाती तूफान मोचा का असर से आज भी देश के कई राज्यों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वहीं वेस्ट बंगाल और सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग यानी IMD ने ये चक्रवात की बात यहाँ पर कही है कि 11 मई तक उत्तर पश्चिम और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर, उसके फिर से यहाँ पर उत्तर और पूर्वी दिशा की ओर बांग्लादेश की सीमा को तट की ओर ये बढ़ सकता है। उन्होंने कहा है कि मौसम के प्रभाव के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश आज होने के आसार है। वहीं कर्नाटक में कल भी कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं बेंगलुरु के दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पर भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं कश्मीर के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण घाटी में जैसा जो स्थिति है वो लौट आई है। अधिकारियों ने ये जानकारी देते बताया है कि मौसम खराब रहने के कारण जो पर्यटक और खानवादोश लोग हैं उनको यहाँ पर रास्ते में फंसे होने की घटनाएं जो है वो सामने आई है। बात अब करते हैं राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान के कई इलाकों में मौसमी बदलाव देखने को मिला। राजस्थान में अभी कई इलाकों में तेज गर्मी का अलर्ट जारी यहां पर किया गया है और हीट वेव की चेतावनी जो है वो दी गई है। 44 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंचने की बात कही गई। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में अब मौसम विभाग ने यहाँ पर भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के अंदर पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही अब गर्मी जो है अपने तेवर जो है तीखे गर्मी ने कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन 44 डिग्री पार जो है पारा होगा। प्रदेश में गर्म हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर लू चलेगी और धीरे धीरे राजस्थान में यहाँ पर जो तापमान इसमें बढ़ोतरी होने की बात कही गई है। वही राहत की बात यह है कि 14 मई को यहाँ पर हल्के पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है, जिसके चलते बीकानेर संभाग और शेखावटी में कुछ इलाकों में बादल हवाई के चलते तापमान में हल्की गिरावट की संभावना है। वह जयपुर मौसम विभाग केंद्र के अनुसार पिछले एक माह से पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजस्थान में गर्मी का असर जो है अभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब मौसम शुष्क हो गया। इसके चलते अगले 4 दिन के भीतर जबरदस्त गर्मी पड़ेगी और यही हालत बीकानेर जोधपुर संभाग में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। 44 डिग्री के पास ये पारा पहुंचने के आसार जताए गए हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं MP मध्य प्रदेश के मौसम की, तो आखिर MP का मौसम कैसा रहने वाला है। तो बता दें आपको कि MP के 2 संभागों और 8 जिलों में इसका मौसम का असर जो देखने को मिलेगा, यानी तूफान है उसका असर देखने को मिलेगा और कुछ इलाकों में लू, यहाँ पर जो चेतावनी जो है मौसम शुष्क रहने की दी गई है और कुछ इलाकों में लू के आसार तो यहाँ पर नहीं दिख रहे, लेकिन मौसम में तापमान में बढ़ोतरी होगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रही चक्रवात तूफान मोचा के असर से हवाओं में स्वरूप बदल गया है। इसी वजह से वातावरण में नमी के चलते तापमान में भी बढ़ोतरी होने का सिलसिला शुरू हो गया है। वही मध्य प्रदेश के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज भोपाल सहित प्रदेश के 6 से अधिक जिलों में तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज होने की संभावना है। हालांकि लू चलने के आसार नहीं जताए गए हैं। वही मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। तमिलनाडु पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। हरियाणा पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात मौजूद है। इसके अतिरिक्त पश्चिम विक्षोभ जो है हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में जम्मू कश्मीर के आसपास बना हुआ है। वही मौसम विभाग केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे कम दबाव के क्षेत्र के कारण चक्रवाती तूफान मोचा ये जो है बन सकता है। इससे मौसम प्रणाली के कारण जो तटीय इलाके हैं वहां बारिश होने की बात कही गई है और मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा। MP के बाद बात कर लेते हैं UP यानी उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो आखिर UP में मौसम कैसा रहने वाला है। तो बता दें आपको कि UP में यहाँ पर कुछ इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हो रही है, तो कुछ इलाकों में जो मौसम है भी शुष्क बना हुआ है। दरअसल बात यह है कि बारिश का दौर खत्म होते ही मौसम का मिजाज अभी भी यूपी में फिर से गर्म होने लगा है। कल जो है तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन जून जुलाई जैसी धूप अभी महसूस नहीं की गई है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज और कल धूप की सतह जो है धूप के साथ सतह हवाएं चलेगी और पश्चिमी यूपी में आज कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं नोएडा में तापमान 20.8 और जो अधिकतम तापमान है 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। वे मौसम वैज्ञानिक मनोज पलावत ने बताया है कि इस दौरान उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हवाएं चलेगी और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर हवाएं चलने की वजह से गर्म हवाएं होगी। इसके बाद 13 मई को आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने की बात यहाँ पर कही गई है।
यूपी के बाद बात कर लेते हैं सीजीआर छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की। न्यूनतम तापमान के हम यहाँ लखनऊ की बात कर रहे थे, अभी सीजीआर छत्तीसगढ़ के मौसम अपडेट की बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कई इलाकों में जो है तपन जो है शुरू हो चुकी है, तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंचने लगा है। दरअसल बात यह है कि मई के पहले 3 दिन राहत के बाद अब झुलसाने वाली गर्मी शुरू हो गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में गर्मी में और बढ़ोतरी की संभावना है। चक्रवात के प्रभाव से आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन उमसली में बढ़ोतरी होगी। वही प्रदेश भर में एआरजी में यहाँ पर सर्वाधिक तापमान जो है 43.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही भले ही इस वर्ष मार्च अप्रैल का महीना थोड़ा गर्म नहीं रहा हो, लेकिन अब मई का पहला सप्ताह खत्म होते ही गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भले ही अधिकतम तापमान अभी भी सामान्य से नीचे बना हुआ हो, लेकिन जबरदस्त बढ़ोतरी उसमें दर्ज हो रही है। वही दिनों यहाँ पर प्रदेश के उत्तर पश्चिम इलाकों से आ रही हवाओं ने और उमसने बढ़ोतरी कर दी है। वह तेज धूप और चुभन यहाँ पर तेज धूप जो है चुभने लगी है। वही रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 2 डिग्री नीचे रहा है। न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री रहा है। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी गर्मी से भी राहत के आसार नहीं है, बल्कि इसमें बढ़ोतरी के आसार है। वही कल चक्रवाती तूफान जो है प्रबल होकर आगे बढ़ने की संभावना है। यही कारण है कि अभी बंगाल खाड़ी में आगे बढ़ेगा, इसके कारण मौसमी बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के बाद अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम का अपडेट बात कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में भी मौसम जो है उत्तर चढ़ाव से देखने को मिल रहा है। दरअसल बात यह है कि मोचा तूफान की वजह से बिहार में जो मौसमी हलचल है वो देखने को मिल सकती है। दरअसल बात यह है कि बिहार में करीब 2 हफ्ते तक मौसम सामान्य रहने के बाद गर्मी प्रचंड रूप में आ गई है। कल एक बार फिर गर्म हवाओं ने लोगों को खुले आसमान के से परेशान किया। वही दिन में तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी बिहार के अंदर तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वही भागलपुर, बांका और पूर्णिया और पटना में 40 डिग्री पार ऊपर पारा रहा मोचा तूफान। और बिहार में बारिश के पूर्वानुमान को लेकर मौसम विभाग की जो रिपोर्ट है उसके बारे में बात करें तो पूर्णिया, शेखपुरा, खगड़िया, बांका में प्रचंड गर्मी का असर लोगों ने यहाँ पर किया। वही मौसम इस तरह शुष्क है। भागलपुर और बांका और पटना समेत इधर जिलों में तापमान में जो है बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। वही बादलों की आवाजाही से बारिश की गतिविधियां रुकने के बाद जिले में एक बार फिर जो गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। वही गर्मी जो अभी जारी रहने की संभावना है और जो मौसम जो है जो तूफान आ रहा है उसका असर जो है बिहार में ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। इस तरह का अपडेट निकल कर सामने आ रहा है कि ज्यादातर इसका प्रभाव जो है वो चक्रवाती तूफान नोपा का जो मोर्चा जो है उसका ज्यादा असर जो बिहार के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। अभी बिहार के अंदर अगले 5 दिन तक तो मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है और तापमान बढ़ोतरी की भी बात कही गई है। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर जो है तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है।